पौड़ी जिले के 15 विकास खंडों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास भवन में अपने एक सूत्री मांग को लेकर बीते 12 दिनों से धरने पर अड़े हैं। दरअसल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्मिक कार्यात्मा का एकीकरण का विरोध कर रहे हैं, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। वहीं इस धरने की वजह से जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने बताया कि जनहित में मूल विभाग पंचायती राज में रेखीय विभाग ग्राम्य विकास विभाग का पूर्ण एकीकरण किया जाए या पूर्व आदेश को सरकार निरस्त करे, तभी वे अपना धरना समाप्त करेंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे कार्मिकों ने राज्य सरकार से फंक्शनल मर्जर के आदेश को तत्काल निरस्त करने तथा एक संवर्ग के पदों को मृत घोषित कर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता तय करते हुए विभागों का पूर्ण विलय करने की मांग की है। वहीं इस मसले पर जिला पंचायत राज अधिकारी पौड़ी जितेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का धरना प्रदर्शन के चलते जिले भर के 15 ब्लॉकों में लोगों को परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कार्यात्मक एकीकरण के विरोध में अपनी मांगों को जल्द पूरा करने को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी अड़े हुए हैं। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। पंचायताधिकारी एसोसिएशन एक आदेश के विरोध में हड़ताल पे है, वो उस आदेश को निरस्त करवाना चाह रहे हैं। और मेरे 15 के 15 ब्लॉक के जितने भी लगभग 160 के आसपास कर्मचारी हैं, वो सभी हड़ताल पे हैं। इस कारण से गांव में अब परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं और इससे गाँव में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें मेरे पास काफ़ी जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में समस्या बनी हुई है, ये लोग अभी भी हड़ताल पे हैं। देखिए, विगत 16 तारीख को अपर सचिव महोदय का एक आदेश आया था, जिसमें कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी दोनों के कर्तव्यों का मर्जर किया गया था, विलय किया गया था। और हमारी मांग ये थी कि अगर आपको विलय करना है तो पूर्णतः ग्राम विकास विभाग और ग्राम पंचायत विभाग को विलय कर दीजिए, सिर्फ आप कर्तव्यों को विलय ना कीजिए। देखिए, समस्याएं सबको हो रही हैं, जनता को परेशान करना हमारा कहीं से भी ध्येय नहीं है, लेकिन क्या करें, जब हमारी हमारी खामोशी को हमारी मजबूरी समझा जाए और हमारे अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जब ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जो हम ग्राम स्तर पे सचिव का कार्य कर रहे हैं, तो जब हम एक आदेश निकला था 16 तारीख को माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय के स्तर से, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के केवल कार्यों का एकीकरण किया गया था, तो हम इस मांग पे कार्य बहिष्कार पे आए हैं कि हम फंक्शनल मर्जर नहीं चाहते। अगर